स्टार्ट करते हैं राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ बड़े साइज़ की और थोड़ी मोटी हरी मिर्च ली है। अब इसको मैं नाइफ़ से बीच में से कट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसके बीच में स्टफिंग करनी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। इसको इस तरीके से खोल के इसके अंदर के जो बीज है ये निकाल लीजिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसे ना निकालें। इस तरीके से, इसी तरीके से मैं सारी मिर्च को काट लूँगी। एक बड़े बाउल में मैं यहाँ उबला हुआ आलू ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले ही कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें मैं दरदरा कुटा हुआ सौंफ और दरदरा कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। धनिया और सौंफ का फ्लेवर यहाँ बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इनको दरदरा ही रखा है। आप चाहें तो इनका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा नमक एज़ पर टेस्ट, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लाल मिर्च को ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी हैं, पर अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा चम्मच अमचूर का ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन सबको हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब जो मिर्ची जिनको हमने पहले से ही बीच में से काट लिया है वो लेंगे और अपने आलू की स्टफिंग को हम इस मिर्ची में भरेंगे, कुछ इस तरीके से। स्टफिंग को आपको अच्छे से प्रेस करते हुए सब तरफ भरना है। कुछ इस तरह से, और इसको ऊपर से एक सार कर दीजिए। अब इसी तरह मैं सारी मिर्च में अपने आलू की स्टफिंग को भर लूँगी। अब सारी मिर्च तैयार हो गई है, हमने इसमें आलू की स्टफिंग कर ली है। अब एक अलग बाउल में मैंने एक कप बेसन लिया है, इसमें मैं पिंच ऑफ हींग ऐड करूँगी। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ मैं इसमें पिंच ऑफ नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला ऐड करूँगी। इसको आपस में मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर का यूज़ ना करें। ये मिक्स हो गया है। अब पानी की हेल्प से हम एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। एक बार फिर से इस बैटर को हम चम्मच से चलाएंगे और स्टफ़ करी हुई मिर्च को अब हम इस बैटर में रखेंगे और स्पून से आप इसके ऊपर बैटर को इस तरीके से फैला दीजिए। बैटर अगर आप ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बेसन की एक पतली सी ही लेयर रह जाएगी, इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप इस तरीके से ही रखिएगा ताकि मिर्च उसमें अच्छे तरह से कोट हो जाए। बस इसको इस तरीके से पकड़ के गर्म गर्म तेल में डीप फ्राई कर लीजिए। अब कलछी की हेल्प से इस पर इस तरह से आप घी डालिए ताकि ये आराम से पलट जाए और ये ऊपर से सिक भी जाए। अब इनको हम पलट देंगे कुछ इस तरह से। थोड़ी देर इनको हम सिकने देते हैं। अब हमारी मिर्च के पकौड़े अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब इनको हम बाहर ले लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल दीजिए और इसको किचन टॉवल पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। मिर्च के पकौड़ों के ऊपर अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा। राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनके तैयार है। गर्मा गर्म इसको सर्व करें। मैं आज इसको हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी अपने घर पे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।